नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने YouTube चैनल माई लिटिल टेरेस गार्डन BBK में, और आज हम बात करेंगे अपने ग्लैडियोलस पर, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसका बल्ब ग्रो किया था, तो उसको दिखाएंगे और बात करेंगे कि उस अब दिखाएंगे आपको कि कितने बड़े प्लांट हो गए हैं और कैसा प्लांट है, उसकी ग्रोथ कैसी है। ये हमारा गेंदा का प्लांट है जो कि देसी हाइब्रिड प्लांट है और करीब करीब 3 से 3.5 फीट ऊंचा है। देखिए तो बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस पे, एक साथ कई फूल आते हैं इसमें देसी गेंदे में, जो कि देसी हाइब्रिड होता है, अक्सर गांवों में पाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अपने कैलेंडुला के ग्लैडियोलस के प्लांट पर, और जो है ये ग्लैडियोलस का प्लांट है हमारा जो कि हमने बल्ब से उगाया था। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये करीब करीब 1 महीने का प्लांट हो गए हैं, तो और अच्छी ग्रोथ है इसमें, थोड़ा कुछ ठंडक की वजह से है। और ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, इसको अब इसको कुछ नहीं करना है, पर इसे हम अपनी धूप में रखे रहेंगे और समय समय पर जब भी लगे कि इसकी मिट्टी सूख रही है तो हम इसको जो है पानी दे दिया करेंगे। बाकी इसमें अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि खाद वाद हमने जो है शुरू में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मिट्टी में तभी बल्ब को लगाया था, और जो है बेहतरीन ग्रोथ चल रही है इस समय इस ग्लैडियोलस प्लांट की। और जब अच्छा ग्रोथ होती है तो काफ़ी खुशी होती है प्लांट को देख कर के, हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है। ये थोड़ा सा कोई इशू हो गया है प्लांट में जो थोड़ा सा स्लो है, बाकी सारे प्लांट्स जो हैं काफ़ी बेहतरीन हैं, और इसमें आगे चल कर के कई बल्ब निकलेंगे। जितने इसमें जो है प्लांट्स निकले हैं उतने ही बल्ब निकलेंगे, हमने 6 बल्ब लगाया था और अब इसमें उम्मीद है कि जो है 10 या 12 बल्ब तैयार हो जाएंगे हमारे पास, और अगले सीज़न के लिए हम इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो इसमें खाद वाद अब कोई नहीं देनी है, काफ़ी अच्छा हार्डी प्लांट है, काफ़ी अच्छे फ्लावर आते हैं। हम जब भी देखेंगे कि मिट्टी सूख रही है गमले की तब इसको पानी दे देंगे, और फुल सनलाइट जहां पर आती होगी वहां पर रखेंगे कि दिन भर की धूप इसमें लगे, बाकी ठंड से कोहरे से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कहीं भी रखा रहे, किसी भी तरह ठंड हो, कोई भी तरह की कोहरा पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। बस हाँ, अधिक बारिश ना हो, क्योंकि गमले में है, बारिश होगी तो बल्ब सड़ सकता है, प्लांट ख़राब हो सकता है, इसलिए बारिश अगर हो तो इसको उठा के अंदर कर लें, और जैसे ही बारिश बंद हो जाए इसको निकाल के फिर से मैदान में धूप में रख दें। तो हमारा ग्लैडियोलस प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है और काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं, और इसकी हाइट कम से कम 2-2 फीट की लगभग हो रही है प्लांट से, और अब ईमान के चलिए 20 दिन के अंदर अंदर इसमें जो है कलियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो हम अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने अगले वीडियो में हम इस जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तब बताएंगे आपको और दिखाएंगे आपको कि इसमें फ्लावरिंग कैसी हो रही है और किस किस कलर के निकलेंगे, अभी नहीं पता है, तो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से कलर के निकल रहे हैं जब फ्लावरिंग होने लगेगी। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।